प्रदेश के चंदौली में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के शिक्षक संघ द्वारा हड़ताल करने से कई विद्यालय पर ताला लटक गया है। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश भी दिए हैं और अध्यापकों के खिलाफ चिन्हित कर कार्रवाई करने का आदेश भी जारी कर दिया है। शिक्षक संघ एकजुट होकर के 6 फरवरी से 12 फरवरी तक अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जनपद में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत केवल एक पक्ष जो है, एक गुट जो है, वो हड़ताल पर आने की सूचना है उसकी, और उसके अतिरिक्त सभी शिक्षा मित्र, सभी अनुदेशक और सभी बाकी प्राथमिक शिक्षक जो है वो कार्यरत हैं और समय से कार्य कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त इसी कारण से कोई भी स्कूल बंद होने की कोई सूचना नहीं मिली है, क्योंकि सभी जगह पर शिक्षा मित्र या अनुदेशक या अन्य जो प्राथमिक शिक्षा के आपके जो टीचर्स हैं वो स्कूल जा रहे हैं और वो स्कूल में पढ़ाई का कार्य करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये निर्देश दिया गया था बीएसए को कि संबंधित जो एबीएसएस हैं वो इस चीज का पर्यवेक्षण सही तरीके से करेंगे और जो स्कूल्स की चाबी है वो ऐसे व्यक्ति के पास रहेगी जो विश्वसनीय है, वो टीचर्स में से जो कि स्कूल खोले समय से, इस चीज के निर्देश सख्ती से दिए गए थे। इसके अतिरिक्त जो भी टीचर्स अनुपस्थित पाए जाएंगे या हड़ताल पर रहेंगे उनके वेतन कटौती की भी कार्रवाई जनपद में की जा रही है। प्रोबेशन के दौरान किसी भी टीचर को इस प्रकार से अनुपस्थित रहने का, हड़ताल पर जाने का कोई अधिकार नहीं है, तो उन सभी के विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। टर्मिनेशन की कार्रवाई के लिए आगे विचार किया जाएगा उन सभी के संबंध में, और सरकार के द्वारा विभिन्न चीजों में अकोमोडेट किया गया है। पेंशन एनपीएस के अंतर्गत 14% का अनुदान जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा, वो 10% से बढ़ाकर 14% का बढ़ाकर कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस संबंध में भी बात जो हमारे शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं उनके साथ जनपद के अधिकारियों के स्तर पर से हो रही है और उन्हें समझाया जा रहा है। जो सरकार ने उनके लिए लाभ, एक एडिशनल लाभ उनको दिया है, उस चीज के बारे में उनको बताया जा रहा है और वार्ता सफल भी रही है और इसके बड़े अच्छे परिणाम भी बड़ी जल्दी देखने। सर, अध्यापकों से बात हुई है, संगठन जो आंदोलन पर है वो जबरदस्ती विद्यालय बंद करा रहा है और मेरे कैमरे में आधा दर्जन से अधिक विद्यालयों के पर ताले बंद, 12 बजे दिन में ताले बंद मिले। जो जो संबंधित विद्यालय, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके पास कुछ वीडियोस हैं, तो वो वीडियोस को भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप शेयर करें और जहां जहां पर इसमें सत्यता पाई जाएगी वहां पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जनपद में लगभग 1500 से अधिक जो विद्यालय हैं सभी के सभी खुले रहें समय पर और कहीं पर भी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न हो।